असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पोलिटिकल थेरी विच इज़ डायलेक्टिकल व्यू ऑफ़ सोसाइटी इसमें मैक्स वेबर को और कार्ड मार्क्स को हमने कवर करना है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायलेक्टिकल व्यू ऑफ़ सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में, लेक्षे में बात कर ली थी वो लेक्चर वन था दिस इज़ और लेक्चर टू तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर वे जो हमारा आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखेगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए एंड अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड किए बगैर ऐसे ही नेट पे पूरा देखें तो इससे हमारा भी बहुत ज्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हम लोगों को वॉच वॉच टाइम टाइम चाहिए होता है है और इससे हमारा ताँच ताँच बढ़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें लेकिन अगर आप ये वीडियो डाउनलोड किए बगैर देखेंगे तो मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगी सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारा आज का लेक्चर हम करते शुरू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंडिंग की थी थीसिस सिंथेसिस एंटीथीसिस की बातें करते करते हमने कहा था कि एक ग्रुप है ग्रुप ए उसने एक बात कह दी दैट इज थीसिस सोसाइटी के अंदर उसने बात कही और उस ग्रुप के रिजेक्शन में एक और ग्रुप आया विच इज ग्रुप बी वो ग्रुप ए की बात नहीं मान रहा था ठीक है ग्रुप ए ने कुछ कहा ग्रुप बी ने कुछ कहा इन दोनों के दुनिया में क्राइसिस आ गया कंफ्लिक्ट आ गया फिर उस कन्फ्लिक्ट को उस ऑपोजिशन को सोल्व करने के लिए जो सोल्यूशन दिया गया दैट इज सिंथेसिस ठीक है ये था ये मेन आइडिया लेके आए थे कैंट डायलेक्टिकल व्यू के अंदर लेकिन लेटर ऑन इसको डेवलप किया था हेगल ने अब हेगल ने मजीद एक बात कही अब हेगल का जो व्यू था ओवरऑल वो एब्स्ट्रैक्ट था मतलब कहता था कि गॉड ही सब्जेक्ट है गॉड ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री हो रही ना वो ऑलरेडी प्रीडिटर्मेंट है जिसकी स्क्रीन पे फर्स्ट डेफिनेशन देखें हेगल थॉट दैट ऑल ऑफ हिस्ट्री वॉज फॉलोइंग अ प्रीडिटरमेंट पाथ दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू द फाइनल परफेक्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम और यही हेगल का डायलेक्टिकल व्यू कहलाता है रिगार्डिंग टू सोसाइटी अब कार्ड मार्क्स ने देखा कि हाँ हेगल की सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हे, हेगल के जो आइडिया हैं देर एबस्ट्रैक्ट हेगल के आइडियाज एब्सट्रैक्ट आइडियाज हैं क्योंकि हेगल ने बात की है गॉड की कि कि गॉड ही सब्जेक्ट है गॉड ही ऑब्जेक्ट है सब कुछ जो सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी प्रीडिटर्म है लेकिन हेगल ने कहीं पर भी मटीरियलिज्म की बात नहीं की मार्क्स कहते हैं मटीरियलिज्म वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्क्स ने कहा कि हेगल कहता है कि हर चीज़ जो है सोसाइटी के अंदर है जितनी भी हिस्ट्री के अंदर है, चीज़ें हैं वो इम मटीरियल मोड ऑफ गॉड है ठीक है इम मटीरियल मोड ऑफ गॉड्स कॉन्शियसनेस ठीक है ये की सोच थी लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं यूनिवर्स जो है वो मटीरियल थिंग से बनी हुई है रेडर देन एब्सट्रैक्ट स्टेट ठीक है एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ बींग के अलावा जो दुनिया है पूरी की पूरी वो मटीरियल थिंग से बनी है तो मटीरियलजम जो है सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं जैसे जैसे कि लाइन देखिए मार्क्स आगे दैट क्लास इज डिटर्मेंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स और ब्रैकेट में अगेन यही बार मैंने मैंने मोडिफाई करके लिखी है द डायलैक्टिकल प्रोसेस ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ क्लास ऑन क्लास स्ट्रगल्स अब क्लास ऑन क्लास स्ट्रगल क्या है इकोनॉमिकल फैक्टर्स ही हैं जबकि जो वेबर हैं मैक्स वेबर उन्होंने मार्क्स के आइडिया को अप्रूव किया लेकिन कहते हैं कि क्लास की डिवलपमेंट के लिए स्ट्रेटिफिकेशन भी होनी चाहिए ये सब कुछ हम इन डिटेल आगे डिस्कस करने वाले लेकिन अभी बस ओवरव्यू ले लें कहते हैं जो सोसाइटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास के वेज पे हम लोग डेवलपमेंट नहीं ला सकते स्ट्रेटिफिकेशन भी होनी चाहिए उसके अंदर तो ये कहा था मैक्स वेबर ने अब हम पहले कार्ल मार्क्स को देखते हैं उनके आइडियाज़ को देखते हैं कार्ल मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स मैटर करते हैं कहते हैं एक सोसाइटी की जो डेवलपमेंट होती है जो डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी है वो बेस करता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर और कहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह की क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अब यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा टू मेजर सोशल क्लास कहा है यहाँ पे इन्होंने कहते हैं एक जो है वो ऑनरशिप होती है और एक नॉन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कहलाती है ये दो मेजर क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं एक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और एक नॉन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जिनमें से वो क्लास जिसके पास ऑनरशिप है वो कहलाती है रूलिंग क्लास और जिनके पास ऑनरशिप नहीं है वो कहलाते सब्जेक्ट क्लास और जो रूलिंग क्लास होती है उनके पास पावर होती है और वो अपनी पावर की बेस पे जितने भी रिसोर्स उनको कंट्रोल करते हैं और उसके बाद क्या है अपनी पावर की बेस पे वो नॉन ऑनरशिप क्लास यानी कि सब्जेक्ट क्लास को एक्सप्लॉयड करते हैं अब इनके पास पावर कहाँ से आई इनके पास रिसोर्सेस थे उन रिसोर्स से इन्होंने प्रोडक्शन की उन प्रोडक्शन से ये अमीर होते गए और जब ये अमीर होते गए ऑटोमेटिकली अमीर के पास पावर है और पावर की बेस पे ये कर रहे हैं वो जो सब्जेक्ट क्लास है उनको एक्सप्लोइ कर रहे हैं और उसके बाद क्या है स्क्रीन पे देखें पावर ऑफ रूलिंग क्लास लीड्स टू एक्सप्लोटेशन ऑफ सब्जेक्ट क्लास ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपको देन है द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेज इज़ वन ऑफ द डिपेंडेंस इन इन इक्वालिटी ऑब्वियस ही बात है जो इंडिपेंड जो रूलिंग क्लास है जो सॉरी जो सब्जेक्ट क्लास है वो डिपेंड कर रही होती है रूलिंग क्लास के ऊपर और रूलिंग क्लास भी डिपेंड कर रही होती है सब्जेक्ट क्लास के ऊपर क्योंकि वो उनसे अपना काम करवाएगी ठीक है उनको एक्सप्लोय करेगी तभी तो कमा पाएगी ना तो डिपेंडेंस आ गया दूसरा क्या है इन इक्वालिटी अब ऑन द अदर हैंड जो रूलिंग क्लास थी वो इन इक्वल वे में ट्रीट करती है सब्जेक्ट क्लास से यहाँ पे सारा मार्क्स का काल मार्क्स का जो मार्क्सम का आइडिया ना वो अप्लाई हो रहा है और फिर ऑन द अदर हैंड जो रूलिंग क्लास उनके पास इकोनॉमिकल पावर भी होती है उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है वो अपने इकोनॉमिकल पावर को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं फर्दर क्या है एक्सप्लोइड करते हैं सब्जेक्ट क्लास को और रूलिंग क्लास जो है वो डोमिनेट करी हुई थी फर्दर सोशल इंस्टीट्यूशन में भी थ्रू इकोनॉमिक पावर ठीक है अपने इकोनॉमिक पावर के बेस

जिसके पास पावर है वो उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं जिनके ज़रिए पैसा बनाया जाता है अब उसको पैसा बनाने के लिए एक मज़दूर चाहिए मज़दूर कौन होगा जिसके पास पावर नहीं है अब जिसके पास पावर नहीं है वो वहाँ पे मजदूरी करेगा काम करेगा काम करके क्या होगा जो चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज़ हैं वो बढ़ेंगे और क्या होगा जो पावर वाला बंदा उसकी पावर और बढ़ेगी उसके पास पैसा आएगा ठीक है यानी कि पावर वाले बंदे को अपने पैसा बनाने के लिए डिपेंड करना पड़ा है नॉन पावर वाले बंदे के ऊपर ऑन द अदर हैंड जो नॉन पावर वाला बंदा है वो अपनी चीज़ें बनाकर सेल करना चाहता है लेकिन उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है और वो सेल किसको करेगा पावर वाले बंदे को ही सेल करेगा ना तो वो क्या है वो पावर वाले बंदे के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ें बनाएगा और उनको ही सेल करेगा ठीक है इससे वो अपनी भी जो हैंड टू माउथ गुजारा होता है वो करेगा ठीक है वो भी क्या कर रहा है स्ट्रगल कर रहा है सोसाइटी के अंदर और जब एक पावर वाला बंदा एक्सप्लोइ करेगा नॉन पावर वाले बंदे को तो ऑटोमेटिकली जो नॉन पावर वाला बंदा है वो अपनी इस एक्सप्लोटेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा फर्दर क्या करेगा वो रेवोल्यूशन करेगा बागी हो जाएगा जैसे पीजेंट रेवोल्यूशन भी हुई थी हिस्ट्री के अंदर ठीक है तो क्या जब वो रेवोल्यूशन करेगा और रिवोल्ट करेगा सॉरी रिवोल्ट करेगा रिवोल्ट होने के बाद क्या कर रेवोल्यूशन आएगा अब जब वो रिबिलियस हो गया उसने रिवोल्ट किया फिर रेवोल्यूशन आया फिर क्या हुआ सोसाइटी चेंज हो गई ठीक है इस तरह से सोसाइटी चेंज होती है सोशल चेंजेस आते हैं कि जो अमीर क्लास है उसकी भी अर्निंग हो रही है जो गरीब क्लास है उसकी भी अर्निंग हो रही है और गरीब क्लास को अपने हक़ लेने के लिए रिवॉल्ट करना पड़ा है फिर उसकी बेस पे क्या हो रहा है कि रेवोल्यूशन हो रही हैं जिसकी बेस पे क्या सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल हो रही है और सोशल चेंज आ रहा है क्लियर तो यहां पे मेन चीज क्या है इकोनॉमिकल फैक्टर्स पैसा तो वही बात कहा है कि जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं सोसाइटी के चेंज के अंदर ठीक है ये था जी कार्ल मार्क्स अब जी इसके रिएक्शन में मैक्स वेबर आया मैक्स वेबर कहता है कि मार्क्स ने जो कहा ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो क्या है स्टार्टिफिकेशन स्टेटस एंड पार्टी के साथ साथ स्टार्टिफिकेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिफिकेशन का मतलब है पावर स्टेटस एंड क्लास ये तीनों चीजें मैटर करती हैं और वेबर ने भी मार्क्स की तरह बात की है इकोनॉमिक फैक्टर्स की कहते क्लास के अंदर जो मेन डिवीजन होती है ना वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर होती है मार्क्स ने कहा था क्लास के अंदर दो सॉरी सोसाइटी के अंदर दो क्लास डिवीजन होती है वेबर कहता है सोसाइटी के अंदर फोर क्लासेस होती हैं मेन यहाँ पे दो क्लास हैं ठीक है जिसके अंदर हमारे पास नंबर वन है ऑनरशिप एंड नंबर टू है नॉन ऑनरशिप लेकिन वेबर कहता है हमारे पास यहाँ पे मेन कितनी क्लासेस हैं ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप के अलावा हमारे पास यहाँ पे फोर क्लासेस हैं कितनी है फोर एक है मैनुअल वर्किंग क्लास फिर है पैटी बोर्ड जुआ फिर है प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स फिर है डोमिनेंट इंटरप्रेनियर एंड प्रॉपर्टाइड ग्रुप्स ठीक है ये बोले हैं कौन कौन से हैं जी ये फोर याद रखने आपने कि एक है मैनुअल वर्किंग दूसरी है पैटीपोर्ट जुआ तीसरी है प्रॉपर्टीलेस वाइट कॉलर फिर है हमारे पास डोमिनेंट इंटरप्रेनियर एंड प्रोपर्टाइड ग्रुप्स ये हमारे पास फोर क्लासेस बताई हैं वेबर ने मार्क्स ने दो बताई थी ऑनरशिप नॉन ऑनरशिप वेबर ने फोर बताई हैं हम लोगों को मार्क्स ने बात की थी इकोनॉमिक की कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो बेस हैं लेकिन वेबर कहता है स्टेटिफिकेशन बहुत बेस है ज़रूरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अब यहाँ पर यह बात करें जी क्लास की कहते क्लास जो है ना वो स्टेटस से अलग चीज़ है स्टेटस किसे कहते हैं स्टेटेड कहा जाता है कि एवेल्यूशन मेड बाय अदर्स रिगार्डिंग टू सोशल पोजि पोजिशंस विच रिजल्ट इन द एट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल स्टीम्स के जो दूसरे आपको देख के आपकी सोशल पोजिशन के बारे में इवेल्यूशन करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है ऑन द अदर हैंड जो क्लास है वो कहते हैं स्टेटस से डिफरेंट होता है क्लास रिप्रेजेंट करता है अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकनॉमिक रिवॉर्ड्स जबकि स्टेटस जो है वो क्या बताता है अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर ठीक है ये पॉइंट याद रखना है कि जो क्लास है वो बताता है आपके अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को जबकि स्टेटस बताता है अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर को और जो वेबर है वो कहता है स्टेटस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर क्योंकि स्टेटस जो है वो बेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ की सोशल ग्रुप्स के अंदर आपके इंट्रैक्शन की ठीक है स्टेटस आपकी सोशल ग्रुप के अंदर इंट्रैक्शन की बेस प्रोवाइड करता है और सोशल ग्रुप कौन से जहाँ पे आपका कॉमन इंटरेस्ट होगा आपकी कॉमन आइडेंटिटी होगी इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर हम डिफरेंट स्टेटस ग्रुप्स को एक सिंगल क्लास के अंदर लेके जाएं तो जो क्लास की सोलिडरी होगी ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्लास की जो कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट होगी ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी मतलब क्लास इतना तरक्की नहीं कर पाएगी इसलिए स्टेटस ज़रूरी है स्टेटस के बाद ही कहते हैं पार्टी भी ज़रूरी है पार्टी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए तो क्या करेगी वो वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके पावर को आपकी स्ट्रेटिफिकेशन को आपकी क्लास आपके स्टेटस को ठीक है ये चीज़ें यहाँ पे कही हैं स्क्रीन पे देखें कहते हैं सिमिलैरिटीज़ नोशन ऑफ क्लास इन रिगार्ड्स टू ऑनरशिप यानी कि अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो हमारे पास मार्क्स ने दो क्लासेस की बात की थी तो वहाँ पे उससे कहते हैं एक ऑनरशिप होती है एक नॉन ऑनरशिप होती है लेकिन यहाँ पे क्या है वेबर ने हम लोगों को फॉर मेन बताई जिसमें हमारे पास द मैनुअल वर्किंग क्लास आ गई बैटू बोर्ड जो आ गए प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर आ गए फिर उसके बाद डोमिनेंट इंटरप्रीनियर एंड प्रॉपरटाइट ग्रुप्स आ गए ये चार क्लासेस गए हमारे पास वायबर कहता है क्लास डिस्टिंग फ्रॉम स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया इसको फिर कहता है क्लास इज डिफरेंट टू स्टेटस इन दैट क्लास रिप्रजेंट्स द अन एकक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स ठीक है जबकि जो स्टेटस है वो इन्वॉल्व के करता है द अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर स्टेटस का ताल्लुक सोशल ऑनर के साथ है और क्लास का ताल्लुक है इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के साथ है फिर ये कहते हैं जो सोशल थियरी ऑफ क्लास होती है ना सोशल थियरी ऑफ क्लास एंड पार्टी एलिजियंस इनके अंदर जो मेन रोल है उसका है वो स्टेटस का है ठीक है तो एनी हाउ हम लोगों ने यहाँ पे जो तीन मेन फैक्टर देखे वो क्या देखे इसने क्लास की बात की स्टेटस की, की, की बात की है पावर की बात की है क्लास क्या है हमने देख लिया स्टेटस क्या है हम लोगों को क्लियर हो गया एंड पावर क्या है हम लोगों को ये भी क्लियर हो गया कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिकल फैक्टर की बात की थी उसने पावर की इतनी बात नहीं की थी इसने पावर की बात की है इसने स्टेटस की बात की इसने क्लास इससे तीनों फैक्टर्स की इकट्ठे बात की इसने स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं की थी इसने स्ट्रेटिफिकेशन की बात की थी अगर हम इनका कार्ल मार्क्स का और मैक्स वेबर का डिफरेंस देखें तो वेबर का फोकस ये था कि फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ क्लासेज कि अगर हम ऑनरशिप और नॉन ओनरशिप से हट के देखें तो बाकी फैक्टर्स भी क्लास को ऊपर जो है ना उनकी फॉर्मेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं इसके अलावा जो वेबर है सी इज़ नो एविडेंस टू सॉरी एविडेंस टू स्पॉट प्रोलिट्राइजेशन ऑफ क्लासेस विच मार्क्स सीज एज बीइंग एन एसेंशियल फीचर ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो था ना प्रोलिट्रेट क्लास मैटर करती थी लेकिन वेबर के अकॉर्डिंग सिर्फ पावर मैटर करती है इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो क्लास को सपोर्ट करना मैटर नहीं करता यानी कि प्रोलिट्रेट क्लास जो है ना उसको सपोर्ट करना मैटर नहीं करता और क्या फ़र्क है इनके अंदर जी मार्क्स बात करते थे कि प्रोलिट्रेट जो है प्रोलिट उनकी रेवोल्यूशन हो वो अपनी डेवलपमेंट करें क्लास स्ट्रगल करें वेबर कहते हैं वेबर डज नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट अ दैटिट्रेरियन रेवोल्यूशन इज इन एवेटेबल एंड दैट वर्कर्स वैल एक्सप्रेस क्लास डिससेटिस्फेक्शन इन लेस ड्रामेटिकल वेज फिर है फाइनली वेबर रिजेक्ट्स द नोशन दैट पोलिटिकल पावर इज नेसेसरली डिराइव फ्रॉम इकनॉमिक पावर ठीक है वो कहते हैं कि पोल्टिकल पावर जो है ना वो इकोनॉमिक पावर से ड्राइव नहीं होती ठीक है और जबकि मार्क्स ने कहा था कि इकोनॉमिक पावर ही सब कुछ होती है उसके बाद है इसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरीज ऑफ मार्क्स एंड वेबर सीम्स टू लाई फैक्ट दैट मार्क्स इज इकोनॉमिक फैक्टर्स एज द मेन कॉज ऑफ डिवीजन बिटवीन क्लासेज वैल वेबर आर यूज दैट सोशल सोशल सेटिस्फैक्शन इज डिफाइनेबल इन टर्म द स्टेटस एंड पार्टी एज वेल एज क्लास ठीक है तो ये मेन पॉइंट था और अगर हम इनके जो व्यू है उसकी डिफरेंस की बात करें और मेन डेफिनेशन की बात करें तो हमें अब तक यही पता लगा है कि जो हेगल थे वो कहते थे सब कुछ प्रीडिटर्मेंट है ठीक है गोड ने जैसा बना दिया सारा कुछ वैसे ही है सोसाइटी के अंदर किसी बंदे का कोई भी रोल नहीं है एक टाइम पे आके सब कुछ परफेक्ट हो जाना है कार्ल मार्क्स थे वो कहते थे नहीं जी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं और हेगल ने इकोनॉमिक फैक्टर्स की तो बात ही नहीं की इकोनॉमिक तो फैक्टर्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं क्योंकि इसी की बेस पे जो क्लास स्ट्रगल होती है क्लास ऑन क्लास स्ट्रगल होती है तो क्लास ऑन क्लास स्ट्रगल होना क्या होता है डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी होता है कि इससे ऑटोमेटिकली सोशल चेंज आएगा फिर वेबर ने कहा कि कार्ल मार्क्स से सारे बातें ठीक है लेकिन इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वो इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है स्ट्रेटिफिकेशन मतलब पावर स्टेटस और क्लास का होना और स्टेटस क्या है सोशल ऑनर और जिसके पास सोशल ऑनर होगा ऑटोमेटिकली उसके पास पावर भी होगी और सोशल ऑनर जो है उसके ऊपर कोई भी क्लास का इन्फ्लुएंस नहीं होता और क्लास क्या है क्लास एक पर्सन की इकोनॉमिकल पोजीशन है ठीक है जो उसके बर्थ पे और उसके इंडिविजुअल के अचीवमेंट पे बेस कर रही होती है तो लेक्चर का क्राक्स ये है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स की बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लाई जा सकती है जबकि वेबर के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बेस के ऊपर क्लास के अंदर डेवलपमेंट लाई जा सकती है सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लाई जा सकती है तो आई होप कि आपको ये डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग टू द व्यू ऑफ हे सॉरी हेगल कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स मैक्स वेबर क्लियर हो चुका होगा दुआओं में खास याद रखिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़